Hi guys, myself Sabir and you are watching Essence Telemedia. Okay, so this video is going to be so special for all of you who is trying to make the reels viral. Okay, देखो पहली चीज के reel viral करना बहुत आसान नहीं है, ठीक है ना? बहुत सारे reels हर second, हर minute पे बहुत सारे reels upload हो रहे होते हैं, तो competition बहुत ज़्यादा है. आप देखा ही होगा कि हर reel तो viral हो नहीं जाता, इतने सारे जो upload होते हैं, उनमें से कुछ ही reels viral होते हैं, और उनपे क्या खास बात होता है? कि उनका एंगेजमेंट बहुत अच्छा होता है, उन पे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, उन पे बहुत सारे लाइक्स होते हैं, और लोग उस वीडियो हो तो उस लोग उसको पूरा देख रहे होते हैं, फोटोज भी हो तो उसको लोग थोड़ी देर देखते हैं, उनका पिक्चर क्वालिटी अच्छा होता है, हैशटैग रेलिवेंट होता है, वो कंटेंट से रिलेटेड हैशटैग होता है. ओके, देखो जादुई कुछ ऐसा ट्रिक्स नहीं बताऊंगा जादुई कि आप उसे इंप्लीमेंट करो आपका पोस्ट एकदम डालते ही वायरल, ऐसा नहीं होने वाला. पर आप कैसे कोशिश कर सकते हो अपना पोस्ट वायरल करने का? आपका पोस्ट कभी भी अननोन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जब तक आपके अपने फॉलोअर्स उस पे एंगेजमेंट नहीं दिखाते. देखो कोई भी सोशल मीडिया क्या करता है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, वो क्या करता है कि आपका आप जो भी जस्ट पोस्ट करते हो उस पोस्ट को वो कुछ लोगों तक भेजता है, 100 लोगों तक भेजता है. ओके, समझो 100 लोगों तक भेजता है, और उन 100 में से जिनके पास भेजा वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपके पोस्ट के साथ, क्या उनमें से कितने परसेंट लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग उसको सेव कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग उस अगर वीडियो है तो उसे पूरा देख रहे हैं, कितना परसेंट वीडियो देख रहे हैं, एंगेजमेंट कैसा मिल रहा है आपके जो फॉलोअर्स है, जितने लोगों तक इंस्टाग्राम ने भेजा उस वीडियो या फोटो को, तो वो लोग उस फोटो या वीडियो के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया इस चीज को देखता है कि जितने लोगों के पास उसने भेजा उससे एंगेजमेंट कैसा मिल रहा है, और अगर आपका एंगेजमेंट अच्छा होता है तो ये जाहिर सी बात है कि इंस्टाग्राम उसे खुद प्रमोट करता है और लोगों तक भेजता है ताकि और एंगेजमेंट मिले. और एंगेजमेंट मिलना क्या, वो खुद तो इंस्टाग्राम पे लोग टाइम ही बिताएगा ना, जितना ज्यादा एंगेज होगा आपके कॉन्टेंट के साथ या किसी और के कॉन्टेंट के साथ वो टाइम बिता रहा है, और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यही चाहता है कि उसका जो डाउनलोडर है, जिसने उस ऐप को डाउनलोड किया, वो उस पर टाइम बिताए. ओके, तो अगर आप ऐसा करा सकते हो, एंगेजमेंट ला सकते हो अपने पोस्ट पे, तो आपका पोस्ट वायरल जरूर होगा 100%. अगर आपका रील है तो रील को 15 सेकंड लोग देखे, स्किप ना कर दे, तो आपका रील जरूर वायरल होगा. तो मैं इसी के लिए आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में, सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करना और अपने पोस्ट पे एंगेजमेंट ला सकते हो ताकि आपका भी पोस्ट वायरल हो सके, चाहे वो रील हो या नॉर्मल पिक्चर हो. ओके, सो वीडियो में बने रहना, वीडियो एंड तक देखना ताकि आप कुछ टॉपिक या ट्रिक मिस ना कर दो. इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ. बिफोर वी स्टार्ट, पहली चीज के अकाउंट पब्लिक रखो, ओके, प्राइवेट नहीं चाहिए. पहली चीज क्या है कि इंक्रीज योर पिक्चर क्वालिटी, अपना पिक्चर क्वालिटी बढ़ाओ. कैसे बढ़ा सकते हो? अगर मोबाइल कुछ खास नहीं है, कैमरा मोबाइल का कैमरा कुछ खास नहीं है, तो बाहर शूट करो ना. बाहर शूट करोगे तो लाइटिंग अच्छा आएगा, पिक्चर क्वालिटी अच्छा आएगा, या फिर अगर DSLR से शूट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या कुछ अच्छा मोबाइल से शूट कर सकते हो, आईफोन से शूट कर सकते हो, तो और भी अच्छी बात है. ठीक है, पिक्चर क्वालिटी इंक्रीज करो. पिक्चर क्वालिटी अगर कंटेंट कुछ खास नहीं होता ना, फिर भी सामने वाला जो देख रहा है वो थोड़ी देर रुकता है अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छा होता है तो. अगर पिक्चर क्वालिटी खराब होता है ना, तो कंटेंट अच्छा भी हो ना, फिर भी स्किप कर देगा, क्योंकि देखने में मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो एंगेजमेंट बढ़ाना है हमें, तो उसके लिए पिक्चर क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड द सेकेंड वन इज के यूज ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, राइट? ट्रेंडिंग सॉन्ग्स बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम, समझ रहे हो ना? जो चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे, जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो सभी लोग अभी बनाने वाले हैं या लोगों को अच्छा लग रहा है इसीलिए वो ट्रेंडिंग हो रहा है, जो लोगों को अच्छा लग रहा है इसीलिए ट्रेंडिंग हो रहा है, तो यूज ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ताकि आपके पोस्ट पे भी ज्यादा एंगेजमेंट आ जाए और आपका भी पोस्ट वायरल हो सके. ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज करने से ज्यादा चांसेस होता है कि आपका पोस्ट वायरल हो. ओके, क्योंकि लोग उस समय वो चीज पसंद कर रहे होते हैं, तो आपका अगर इन मतलब वीडियो के अंदर, रील के अंदर कुछ खास नहीं है पर गाना वो है ना, फिर भी लोग थोड़ी देर रुक जाते हैं, एंगेजमेंट अच्छा होता है तो. एंड द थर्ड वन इज के यूज रेलिवेंट हैशटैग ना, यूज रेलिवेंट हैशटैग, आपके कंटेंट से रिलेटेड हाई वॉल्यूम हैशटैग यूज करो. कंटेंट से रिलेटेड हाई वॉल्यूम हैशटैग यूज करो. हाई वॉल्यूम क्यों? क्योंकि हाई वॉल्यूम मतलब वो लोग यूज कर रहे हैं इसीलिए वो हाई वॉल्यूम है, मतलब वो ट्रेंडिंग है. मतलब हमें करना क्या, हमें ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करने हैं. ओके, सो ट्रेंडिंग हैशटैग कौन सा होगा जिसको बहुत लोग यूज कर रहे हैं, मतलब उसमें बहुत सारे पोस्ट हो रहे होंगे, तो अपने कंटेंट से रिलेटेड हाई वॉल्यूम हैशटैग खोजो और वो हैशटैग दो अपने पोस्ट पे. ओके, तो इससे भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पोस्ट अननोन लोगों तक पहुंचेगा, और अगर वीडियो अच्छा होगा, रील अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे एंगेजमेंट आएंगे, जिससे आपका पोस्ट वायरल होने का चांसेस रहेगा.
ओके एंड द फोर्थ वन इज एड कॉल टू एक्शन. ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है एंगेजमेंट बढ़ाने का. आप कैप्शन में कुछ ऐसा कॉल टू एक्शन लिख सकते हो कि टैग योर फ्रेंड, टैग हु नीड टू सी दिस, टैग इफ यू टैग समवन इफ यू लाइक दिस, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो नीचे. लोगों को कमेंट करने के लिए मजबूर कर सकते हो, मतलब ऐसा कर सकते हो कि लोग कमेंट करें जिससे कि आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा. इससे फर्क नहीं पड़ता वो लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, चाहे फायर दे रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे, इट्स ऑल राइट. उससे क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ रहा है आपका, तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि लोग आपके कॉन्टेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी को टैग कर रहा है कमेंट में या कुछ भी कर रहा है कमेंट में, वो एंगेजमेंट बढ़ा रहा है आपका, समझ रहे हो. तो इंस्टाग्राम आपको आपके पोस्ट को प्रमोट करेगा. अगर आपके पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट आते हैं या बहुत ज्यादा लाइक्स आते हैं तो इंस्टाग्राम उसे जरूर प्रमोट करेगा. ओके सो लेट पीपल कमेंट, कुछ ऐसा लिख दो कैप्शन में कि लोग कमेंट करें. द नेक्स्ट वन इज के पोस्ट एट योर पीक टाइम. पीक टाइम पे पोस्ट करो ना, क्योंकि हमें तो एंगेजमेंट बढ़ाना है. और अगर हम जिस समय पोस्ट कर रहे हैं, और मैंने जो बोला ना कि हर सोशल मीडिया कुछ लोगों तक भेजता है पहले खुद से, तो वो चीज भेजेगा, पर अगर आपके फॉलोअर्स ही एक्टिव नहीं होंगे तब क्या होगा, फायदा तो नहीं है ना. तो पोस्ट कोशिश करो कि आप उस समय पोस्ट करो जिस समय आपके फॉलोअर्स एक्टिव हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि इंस्टाग्राम भेजेगा तो आपके फॉलोअर्स एक्टिव हैं उन तक मिलेगा, और वो लोग एंगेज, अगर अच्छा होगा पोस्ट तो वो लोग एंगेज होंगे, और एंगेज होंगे तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम प्रमोट करेगा उसको. ओके सो पोस्ट एट योर पीक टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके एंड द वेरी नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज शेयर इट. शेयर करो ना, हमें एंगेजमेंट बढ़ाना है. आप स्टोरीज पे शेयर करो, या कुछ खास दोस्त है उन्हें बोल दो भाई स्टोरी लगा दो, या टेक्स्ट में शेयर कर दो, चैट्स में किसी को, आप खुद पर्सनल चैट्स में शेयर करो, समझ रहे हो, क्योंकि हमें एंगेजमेंट बढ़ाना है. और चैट्स में अगर किसी को शेयर करते हो तो वो इंस्टाग्राम को ये समझ आ रहा है कि आप उस पर्सन से जिसको शेयर कर रहे हो उससे बात करते हो. तभी चैट्स किस लिए, बात करने के लिए. तो मतलब उस इस ये पोस्ट को छोड़ के अगला पोस्ट करोगे तो उसके पास जरूर जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा उसके पास जिससे आप चैट्स में बात करते हो, क्योंकि आप उससे एंगेज्ड हो, उससे इंटरेक्ट कर रहे हो. तो मतलब आपका पोस्ट उसके पास जाएगा ही जाएगा, आप जो भी अगला पोस्ट करोगे. और इस पोस्ट पे भी वो अगर उसे अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट कर देगा, तो इस पे भी एंगेजमेंट बढ़ जाएगा और चांसेस है कि आपका पोस्ट वायरल हो सके, समझ रहे हो. एंड एक बोनस टिप समझ लो, या ये तो पता ही होगा आपको, कि टैग करो, लोगों को टैग करो. लोगों को टैग करोगे तो उन तक पहुंचेगा आपका पोस्ट, उनके टाइमलाइन में दिखाएगा. फॉर एंडिंग दिस वीडियो गाइज, आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू, कि मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है जिसपे मैं जल्द ही वीडियोज डालूंगा. तो उसका नाम है साबिर फिट व्लॉग्स, उसे सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट दिखा दो गाइज. मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि आप कैसे अपने रील्स वायरल कर सकते हैं, कैसे अपना एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं. आपको अगर इनमें से किसी भी चीज में कोई डाउट है या समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा. और अगर वैसा नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम पे भी मेरा आईडी है साबिर फिट व्लॉग्स. ओके एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव. और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो, मैं उस पे जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा. ओके एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना यार, मेहनत लगता है. ओके एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.